दुनिया भर में अपने अजीबोगरीब कारनामों के लिए मशहूर चाइना एक बार फिर से चर्चा में है। नमस्कार, वंदे भारत, आप देख रहे हैं भारत तक। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं चीन की, जिसने स्पेस में चावल उगाने का काम कर दिया है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो चावल स्पेस में चीन ने उगाया है, इसे लेकर अब चीन बहुत जल्द रिसर्च करने वाला है। अब तक अगर हम चीन का जिक्र करें तो चीन ने एक आर्टिफिशियल सूरज बनाया, चीन ने तरह तरीके के प्रयोग स्पेस में कर दिए और अब एक नया प्रयोग चीन ने किया, वो है स्पेस में चावल उगाने का। दुनिया भर में अपने अलग अलग प्रयोगों के तौर पर जाना जाने वाले चीन ने अंतरिक्ष में बड़ा कारनामा कर दिखाया। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने अपनी रिसर्च में बताया कि तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने चावल और सब्जियां उगाई हैं। बताया गया कि इन फसलों के पूर्ण विकसित होने में कुछ महीने का वक्त लगेगा। इसी साल के अंत तक इन फसलों के पौधों को धरती पर भी लाया जाएगा। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि इसी साल 29 जुलाई में दो प्रकार के पौधों के बीच, जिनमें थेलक्रेस और चावल शामिल हैं, इनको प्रयोग के तौर पर उगाया गया था। इन बीजों को टेम्पररी अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग में उगाया गया था। जानकारी के मुताबिक एक महीने में ही प्रयोग में जबरदस्त सफलता इसे मिल गई। लंबे तने वाले चावल के बीज 30 सेंटीमीटर तक लंबे हो गए, जबकि छोटे तने वाले चावल के दाने 5 सेंटीमीटर तक लंबे हुए। CAS के अनुसार थेल क्रेस कई हरी पत्ती वाली सब्जियों जैसे रेपसीड, गोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट का प्रतिनिधि नमूना है। इनमें भी काफी ग्रोथ सामने आई है। अब चीन इसे लेकर प्रयोग करने वाला है, चीन इसे लेकर रिसर्च करेगा और इस साल के अंत तक इस पौधे को लेकर बाकी के परीक्षण भी किए जाएंगे। CAS का प्रयोग ये समझने के लिए है कि पौधे अंतरिक्ष में कैसे व्यवहार करते हैं। CAS सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर प्लांट साइंसेस के एक शोधकर्ता जेंग ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि दो प्रयोग अंतरिक्ष में प्रत्येक पौधे के जीवन चक्र का विश्लेषण करेंगे और पता लगाएंगे कि पौधे को विकसित करने और उसकी उत्पादन बढ़ाने के लिए माइक्रोग्रेविटी वातावरण का उपयोग कैसे किया जाए। जेंग ने कहा, फसलों को केवल पृथ्वी जैसी परिस्थितियों की नकल करने के लिए कृत्रिम वातावरण में ही उगाया जा सकता है और पौधों के फूलों की तुलना करके हम अंतरिक्ष और माइक्रोग्रेविटी पर्यावरण के अनुकूल अधिक फसलों को पा सकते हैं। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि ये पौधे जो स्पेस में उगाए गए हैं बहुत जल्द पृथ्वी पर लाए जाएंगे और इस दिसंबर के अंत तक ये पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद चीन इस पर आगे शोध करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि ये जो पौधे हैं ये अंतरिक्ष में किस तरीके का व्यवहार करते हैं। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।